इंसान के बारे में जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपकी आत्मा झकझोर जाएगी। और एक बात कहूँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के लास्ट में आप रोए भी ना। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी राजे की। जब मुगल सल्तनत हिंदुस्तान पे हुकूमत करना चाहते थे और उसी दौरान जन्मा एक धर्म योद्धा। स्वराज हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। अभी जब तक वो संभा पकड़ा नहीं जाता, हम हिंदुस्तान के बादशाह का ये ताज सर पर नहीं रखेंगे। सन 1657 में मराठा साम्राज्य में इनका जन्म हुआ और बचपन से मरते दम तक सिर्फ संघर्ष। संभाजी महाराज जब मात्र 2 वर्ष के थे तो इनकी माता का निधन हो गया और छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ यानी कि माँ जीजाबाई ने इनका पालन पोषण किया। मैं सोचती हूँ कि वीडियो को कहाँ से शुरू करूँ और इस महान गाथा को कहाँ तक लेके जाऊँ। ये एक ऐसा अद्भुत बालक था जिसकी छाप आज भी मराठा संतनत में पड़ी हुई है। आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि भारत की जमीन पर इतने महान साम्राज्य के बाद भी बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए जानते हैं मराठा संतनत के महान राजा संभाजी राजे के बारे में। सिपाहियों आगे बढ़ो। अपनों के अधीयति के घाव हम तह उम्र सहते आए हैं कविराज। मात्र 13 वर्ष की आयु में 13 लैंग्वेजेस सीख चुके थे, चाहे वो अंग्रेजों की भाषा हो, पुर्तगालियों की भाषा हो, कोई रीजनल लैंग्वेज हो, डेक्कन की सारी लैंग्वेजेस और साउथ इंडियन लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज वो फर्राटे से बोल सकते थे। और इतना ही नहीं, मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान हो गया था। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ शास्त्रों को सीखने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ 13 साल की उम्र में इस बालक ने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि शास्त्रों के साथ साथ वो क्षत्रिय धर्म को भी मानते थे, जो कि बहुत कम ही संयोग में देखने को मिलता है। क्योंकि जहाँ शास्त्रों का ज्ञान होता है वहाँ शस्त्रों का ज्ञान नहीं हो पाता, और जहाँ शस्त्रों का ज्ञान होता है वहाँ शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो पाता। छत्रपति की गद्दी ये किसी की जागीर नहीं है, इस पे बैठना है तो अपने आप को साबित करना होगा। इन्हें अपनी मातृभूमि और रायगढ़ के किलों से बहुत प्यार था, इसीलिए आखिरी सांस तक ये मुगलों के साथ लड़ते रहे। घुड़सवारी, धनुषबाजी, तलवारबाजी और बॉडी बिल्डिंग में तो ये इतने माहिर थे कि इन्हें बड़े से बड़ा योद्धा भी हरा नहीं पाता था। और फ्रेंड्स, अगर आपने गौर से ध्यान दिया होगा तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है कि एक ही बालक में शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों के गुणों का भी इस तरह से समावेश हो पाना। मात्र 9 वर्ष की उम्र में जिस समय हमारे यहाँ बच्चे गिल्ली डंडा खेला करते हैं, इन्होंने तलवारबाजी सीख ली थी। ये एक ऐसे अद्भुत बाल कीर्तिकार थे जो साहित्य को न सिर्फ पढ़ते थे बल्कि साहित्य को लिखा भी करते थे। इससे क्या हुआ कि बुद्धि और बल दोनों बढ़ गए और इस अद्भुत बालक ने मात्र 16 साल की उम्र में 60 किलो की तलवार लेकर पहला युद्ध जीता, जो कि रामनगर में लड़ा गया था। एक बात कहूँ आपको, 16 साल की उम्र में ये कच्ची उम्र होती है और इस उम्र में हर बच्चा चाहता है कि वो अपने माता पिता के साथ रहे और उनके साथ टाइम बिताए। इस बालक की माता को मात्र 2 वर्ष में ही चल बसी थी और पिता जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो उस समय मुगलों से भारत को बचाने में जुटे हुए थे। जब मुगल सल्तनत हिंदुस्तान पे हुकूमत करना चाहते थे तब उनके सामने पहाड़ बन के खड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शायद यही कारण है कि मराठा संतनत के कारण ही आज भारत में हिंदू धर्म और हिंदी भाषा जीवित है। इतिहास में से तराशा गया एक छोटा सा किस्सा आपको बताती हूँ। जिस समय संभाजी महाराज मात्र 9 वर्ष के हुआ करते थे तो एक बार वो अपने पिताजी से मिले। पिता से मिलने के बाद उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं रहता है। इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, मेरा सारा समय इस धरती को बचाने के लिए है। मैं आगरा जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। ध्यान से सुनिएगा आप, उस समय संभाजी महाराज सिर्फ 9 साल की आयु के थे और वो 1250 किलोमीटर की दूरी तय करके वो भी एक घोड़े पर बैठकर अपने पिताजी के साथ आगरा पहुंचे और आगरा जाकर वो औरंगजेब से मिले, वो भी निडर। अब हुआ क्या, जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने साथ इस 9 साल के बालक को यानी कि संभाजी महाराज को लेकर आगरा पहुंचे तो आगरा पहुंचकर वो सबसे पहले औरंगजेब से मिलने गए। अब औरंगजेब इतनी बड़ी मुगल संतनत का राजा, जिसे अपने ऊपर बहुत गर्व था, जो आया था भारत को जीतने के लिए, भारत को लूटने के लिए और भारत से हिंदू धर्म को मिटा देने के लिए और पूरी भारतीय जमीन पर कब्जा करने के लिए। छत्रपति संभाजी महाराज जब अपने पिता शिवाजी महाराज के साथ उसके दरबार में पहुंचे तो वो निडर खड़े रहे। उनकी निडरता को देखकर औरंगजेब संदेह में पड़ गया। उसे लगा कि देखो कितना छोटा सा बच्चा
है। इसकी आयु अभी सिर्फ 8 या 9 ही वर्ष की होगी, लेकिन ये अपने पिताजी के साथ आने में बिल्कुल भी नहीं डरा। जबकि उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब, जो कि मुगल साम्राज्य के राजा थे, दोनों के बीच शीत युद्ध की स्थिति थी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि औरंगजेब का नाम इतिहास के क्रूर और निर्दयी शासकों में शामिल है। उसने किया क्या, इन दोनों बाप बेटों को पकड़कर जेल में डाल दिया और वो ये सोचने लगा कि इन दोनों को आगे और ज्यादा परेशान कैसे किया जाए। अब ये इतना छोटा सा बच्चा था, देखिए सिर्फ 9 साल का बालक था उस टाइम, पर उसके दिमाग में डेली क्वेश्चन चलते थे। वो सिर्फ एक ही बात पर कंसंट्रेट करता था कि किस तरह से हम इस कैद से बाहर निकले और किस तरह से मैं अपने पिताजी को भी इस कैद से बाहर निकालूं। एंड अ ग्रेट विक्ट्री। ये बच्चा जब सिर्फ 9 साल का था तो उसने अपनी सूझबूझ से सबसे पहले तो अपने पिताजी शिवाजी महाराज को उस जेल से बाहर निकाला और उसके बाद खुद भी घोड़ा लेकर रायगढ़ पहुंच गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। अब इसके बाद इन्हें मात्र 10 साल की उम्र में महाराजा ऑफ अजमेर के पास भेज दिया गया ताकि ये पॉलिटिकल चालों को समझ सके। सिर्फ इन दो इंसिडेंट से ही ये इतने बुद्धिमान बन गए थे कि किसी को भी युद्ध में हरा सकते थे। अब हर एक सफल शासक के पास कोई ना कोई बुद्धिमान सलाहकार जरूर होता है। अब यहाँ पर राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य थे, जिन्होंने धनार्जन के सारे रास्ते और स्रोत उनके लिए खोल दिए थे। अकबर के पास बीरबल था, जिसने उसकी हर समय मदद की। ठीक उसी प्रकार संभाजी महाराज ने उज्जैन के कवि कलश को अपना एडवाइजर यानी कि अपना सलाहकार बनाया, जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। इसे इन्होंने अपना फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बनाया, जो कि उनकी हर परेशानी में समाधान ढूंढ लेता था। कवि कलश इनके इतने ज्यादा महान, इंटेलिजेंट और यशस्वी सलाहकार थे कि कवि कलश को ये हमेशा अपने पास रखते थे। एक छोटा सा बालक जिसके पिता मुगलों से लड़ने में बिजी थे और इसने मात्र 19 साल की आयु से ही अपने रायगढ़ के किले और बाकी महाराष्ट्र के किलों को संभालना शुरू कर दिया। यहाँ पर बात ध्यान देने लायक है कि औरंगजेब भारत में इसलिए आया था कि वो भारत को लूट सके और उसका टारगेट था भारत के ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से भारत को घेर कर भारत पर कब्जा करना। और ऐसा नहीं है कि इस महान शासक की जिंदगी में कोई दुख की घटना नहीं हुई। 1681 में वो महान समय आया जिस समय इनके पिताजी महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन इस महान मराठा शासक ने एक सच्चे बेटे होने का धर्म भी निभाया और इसके साथ ही साथ एक मिनट भी व्यस्त ना होते हुए अपने देश की कमान अपने हाथ में ले ली और भारत पर मुगलों को हावी होने से रोकता रहा। वीर संभाजी। अब पहला काम इन्होंने ये किया कि औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित एक जगह है, वहाँ पर औरंगजेब का एक बहुत बड़ा किला था। अब इन्होंने दिमाग लगाया कि हम मराठाओं के पास धन की तो बहुत कमी है, लेकिन अगर हम इस किले को उखाड़ दें तो हमारी वो कमी पूरी हो सकती है। अब इन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर औरंगाबाद में स्थित औरंगजेब के किले पर आक्रमण किया और उसे लूट लिया। वीर संभाजी। अपनी इस बुरी हार से औरंगजेब बौखला गया और सोचने लगा कि इस बालक ने तो नाक में दम कर दिया है। यहाँ हैरानी वाली बात ये है कि औरंगजेब ने तो ऐसा सपने में भी कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि 23 साल का तो छोटा सा बच्चा है ये ऐसा कैसे कर सकता है। अपनी इस लूट और हार के बाद बौखलाए हुए औरंगजेब ने अपने एक जनरल हुसैन अली खान को 20,000 हाथियों और सैनिकों की फौज के साथ संभाजी राजे को खत्म करने के लिए भेजा और उन्हें कहा कि तुम जीत कर ही वापस आना। अब जनरल हुसैन अली खान बोला कि 23 साल का बच्चा तो है ये, मैं इसे 2 दिन में खत्म करके वापस आ जाऊंगा और जीत का झंडा लहराऊंगा। एक बात बताएं आपको, पूरे भारत के इतिहास के अंदर शायद छत्रपति संभाजी महाराज ही एकमात्र ऐसे शासक रहे होंगे जिन्होंने 9 साल के अंदर करीब 120 लड़ाइयां लड़ी और वो एक भी लड़ाई नहीं हारे। ऐसे महान योद्धा थे हमारे संभाजी राजे। स्वराज हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। आप अब औरंगजेब का शातिर दिमाग ये सोचने लगा कि पूरा उत्तर भारत तो मैं जीत ही चुका हूँ, अब तो सिर्फ डेक्कन बाकी है, यानी कि उस समय का दक्षिणी भारत, अहमदनगर से लेकर केरला तक और केरला से लेकर कन्याकुमारी तक। अब वो ये सोचने लगा कि सिर्फ डेक्कन ही जितना बाकी रह गया है। अब देखिए औरंगजेब का दिमाग कितना शातिर था।
उसने सोचा उत्तर भारत तो मैं जीत चुका हूँ, दक्षिण से मैं लोगों को अपने साथ मिला लूंगा, और गोवा में उस समय पुर्तगाली लोगों का शासन था, तो उसे उसने एक ट्रीटी साइन करी और उसने पुर्तगालियों को भी अपने साथ मिला लिया। अब उसका टारगेट था उत्तर भारत की सेना को लेकर दक्षिण भारत की सेना से मिलाकर, और दक्षिण भारत उत्तर भारत की सेना के साथ साथ पुर्तगालियों को गोवा से लेकर महाराष्ट्र पर अटैक करने का। अब औरंगजेब पूरा नहीं समा रहा था क्योंकि उसकी मंजिल उसके हाथ में बस आने ही वाली थी। उसे लग रहा था कि अब मैं बस महाराष्ट्र को जीत ही लूंगा, शिवाजी महाराज तो है नहीं, ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है, इसे तो मैं यूं चुटकियों में हरा दूंगा, और मैं जैसे ही संभाजी राजे को हराकर महाराष्ट्र को जीत लूंगा, भारत का इकलौता सम्राट बन जाऊंगा। अब यहाँ एक तरफ पुर्तगाली भी औरंगजेब से मिल चुके थे और औरंगजेब को ये लग रहा था कि मध्य एशिया से यानी कि मिडिल ईस्ट से भी मेरी मदद होगी। पर हुआ यूं कि संभाजी महाराज अपनी सेना को लेकर गोवा में आ गए और वहाँ बैठे पुर्तगालियों को बम फोड़ फोड़ के मारा। चलिए अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। अब तक की स्टोरी के अनुसार संभाजी राजे का सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये रहा कि उन्होंने पूरे 9 साल तक औरंगजेब को अपनी उंगलियों के निशाने पर गोल 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 घुमाया। अब हुआ यूं कि औरंगजेब अपनी जीत की ख्वाहिश में नॉर्थ को छोड़कर दक्षिण भारत की तरफ आ गया और संभाजी महाराज ने उसे गोल 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 इतना घुमाया और इतने सालों तक घुमाया कि 8 लाख की सेना के सामने सिर्फ 20,000 सैनिकों की सेना पर वो जीत नहीं पाए, और औरंगजेब को अब ऐसा लगने लगा कि शायद उसका पूरे भारत को जीतने का सपना अब अधूरा ही रह जाएगा। जब तक वो संभा पकड़ा नहीं जाता, हम हिंदुस्तान के बादशाह का ये ताज सर पर नहीं रखेंगे। अब छत्रपति संभाजी महाराज का दिमाग देखिए, उन्होंने औरंगजेब को महाराष्ट्र में इतना बिजी रखा कि वहाँ नॉर्थ में पंजाब, बुंदेलखंड और राजस्थान जैसे राजा फिर से विकसित होने लगे औरंगजेब के खिलाफ। ये वो स्वदेशी राजे थे जो औरंगजेब के आने के बाद शांत बैठे थे और ये सोए हुए शेर अब जाग गए थे। यहाँ ध्यान देने लायक बात ये है कि 9 सालों तक संभाजी राजे ने औरंगजेब को दक्षिण में ही इतना बिजी रखा कि वो जीत का सपना लिए जी रहा था लेकिन जीत ही नहीं पा रहा था, और वहाँ इन 9 सालों में उत्तर भारत के हिंदू राजा फिर से विकसित होने लगे। ये वो हिंदू राजे थे जो अब तक औरंगजेब की दहशत की वजह से चुप बैठे थे। हमारा एक एक मावला उन सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़ेगा, खौफ मरने का किसको दिखाता है कमजोर। और इधर यानी कि महाराष्ट्र में संभाजी राजे ने औरंगजेब को इतना गोल 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 घुमाया कि पूरे भारत को जीतने का लक्ष्य ही उसके हाथ से निकल गया। अब तो उसे सिर्फ इंतजार था महाराष्ट्र में अपना झंडा फहराने का। पर औरंगजेब भी कहां चुप बैठने वाला था, उसने फिर से दक्षिण के राजाओं को मिलाया, पुर्तगालियों को जगाया और फिर से एक बार युद्ध की योजना बनाने लगा। अब उसने एक बार फिर से चारों तरफ से मराठाओं को घेरने की कोशिश की, लेकिन ये मराठा लोग उम्र में तो छोटे थे लेकिन बुद्धि और बल में औरंगजेब की सेना से कई आगे थे। जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीच में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। इसीलिए कहते हैं ना, एक मराठा लाख मराठा। अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से युद्ध का संकट घर करने लगा, पर ये मराठे भी कहां कम थे। शंभू राजे ने फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक नई तकनीक बनाई। उन्होंने महाराष्ट्र के सब लोगों को बोला कि पेड़ों को काटो और रबड़ के पेड़ों से एक ऐसा कपड़ा तैयार करो जिसको हम सामान्य तेल में डुबोकर उस पर आग लगाकर मुगलों को हरा सके। अब ये तकनीक ऐसी थी जिसमें लकड़ी के तीर बनाए जाते थे और आगे रबड़ का कपड़ा लपेट दिया जाता था, कपड़े को तेल के अंदर डुबाया जाता था और आग लगा के तीर को छोड़ दिया जाता था। अब मुगलों की जो सेना थी, जहाँ पर भारी संख्या में बम गोले और बारूद थे, वहाँ पर एक भयंकर विस्फोट होता था और कई सैनिक मर जाते थे। ये तकनीक इतनी सफल थी कि इस तकनीक में पैसों का ज्यादा प्रयोग नहीं होता था और महाराष्ट्र में उस समय औरंगजेब के मुकाबले काफी कम धन था। एज इट इज सेड दैट मराठा लोग उम्र में बहुत कम थे लेकिन बुद्धि में बहुत तेज थे। लेकिन यहाँ औरंगजेब को भी मानना पड़ेगा, हारते थे, मार खाते थे, फिर से युद्ध के लिए खड़े हो जाते थे, अगले दिन फिर हारते थे, मार खाते थे, फिर से वही सिचुएशन। लेकिन औरंगजेब का दिमाग भी बहुत आगे तक था, वो अकेला नहीं लड़ता था, बहुत सारी सेनाओं से मराठाओं को चारों तरफ से घेरता था और फिर युद्ध लड़ता था, पर दुर्भाग्य से हर बार 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 वो मराठाओं से युद्ध में हार ही जाता था। सिपाहियों आगे बढ़ो। जब मुगल सल्तनत हिंदुस्तान पे हुकूमत करना चाहते थे, और उसी दौरान जन्मा एक धर्म योद्धा वीर संभाजी। अगर हर मराठा संभा जैसा होगा तो हम दक्खन में कभी राज नहीं कर पाएंगे। उसी समय में चिकादेव राय नाम का एक राजा था
जो कि द्रोही निकला, वो जाके औरंगजेब से मिल गया। अब यहाँ पर एक बात आपको बता दें, औरंगजेब सिर्फ भारत को जीतने नहीं आया था, बल्कि पूरे भारत में धर्म परिवर्तन करके उसे इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए भी आया था। ये बात संभाजी राजे जानते थे, और जब उन्होंने देखा कि औरंगजेब फिर से युद्ध करने वाला है, तो उन्होंने अपनी एक एक जनता को इकट्ठा किया और सबसे बोला, मराठा हूँ मैं, धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, ना खुद करूंगा ना किसी को करने दूंगा, और अगर किसी ने अपना धर्म परिवर्तन किया और औरंगजेब के धर्म परिवर्तन में उसकी मदद की, तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। मैं एक मराठा हूँ और अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मैं धर्म परिवर्तन कभी नहीं करूंगा, और मैं अपनी जनता से भी यही आशा करता हूँ। हमारे साथ मिल इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। अब यहाँ दूसरी तरफ औरंगजेब इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था कि मराठा और मराठा सेना क्या है। वो इस बात को जान चुका था कि 9 साल तक इतने भयंकर युद्ध हुए, लेकिन हम महाराष्ट्र को जीत ही नहीं पाए। अब इस बात को वो जान गया था कि संभाजी राजे को हम युद्ध में कभी भी हरा नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। अपना सर शंभु राजा के चरणों में तड़पता हुआ पाएगा तू। तो उसने एक चाल चली, उसने दिमाग का इस्तेमाल किया और धोखे के बारे में सोचा। अब औरंगजेब ये सोचने लगा कि सामने से तो हम इसे युद्ध में हरा ही नहीं सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा या फिर कोई चाल चलनी पड़ेगी। अब औरंगजेब ने अपनी चाल चलनी शुरू की। वहीं इसी बीच औरंगजेब को पता चला कि संभाजी राजे ने अपने साले को, यानी कि इनकी पत्नी के भाई को, वेतन देने से मना कर दिया है, और दोनों के बीच कुछ अनबन चालू है और जम नहीं रही है, और दोनों के बीच कुछ मतभेद चालू है। बस इसी बात का उसने फायदा उठा लिया। अब औरंगजेब को इस बात का भलीभांति ज्ञान था कि संभाजी महाराज इनको 9 साल तक पीटते रहे, हराते रहे, लेकिन वो उन्हें जीत नहीं पाए। अब यहाँ संभाजी महाराज के साथ हो गया धोखा। वो अपने निजी सलाहकार के साथ संगमेश्वर राम की जगह पर एक पर्सनल मीटिंग के लिए गए थे, और औरंगजेब को इस बात की जानकारी उनके खुद के ही साले ने दे दी। छत्रपति की गद्दी ये किसी की जागीर नहीं है, इस पे बैठना है तो अपने आप को साबित करना होगा। अपनों के और नियति के घाव हम तह उम्र सहते आए हैं कविराज। अब वही गद्दार उनके साले ने औरंगजेब के जनरल को वो गुप्त रास्ता बता दिया जहाँ से वो उन्हें पकड़ सकते थे, और भारत का वो एक महान राजा जिसको औरंगजेब की विशालकाय 8 लाख की सेना भी नहीं हरा पाई, मात्र 2000 सैनिक लेकर औरंगजेब का जनरल उस गुप्त रास्ते पर उन्हें पकड़ने के लिए चल पड़ा। सिपाहियों आगे बढ़ो। अब छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान राजा को 8 लाख सैनिक तो कभी हरा नहीं पाए, सिर्फ 2000 सैनिकों ने हरा दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि धोखा दिया गया, और धोखा दिया था किसी गैर ने नहीं, बस अपने ने ही। गनोजी यानी कि उनके साले बेईमान हो गए, उन्होंने बेईमानी कर दी। आपने रामायण तो जरूर सुनी होगी, महान सम्राट रावण का अंत भी इसी तरह से हुआ था। कहा जाता है कि उसकी नाभि में अमृत था, और जब तक वहाँ पर राम जी का तीर नहीं लगा उसके प्राण नहीं गए, वो मर नहीं सकता था, अमर था। लेकिन इस बात की जानकारी खुद उनके भाई ने ही राम जी को दी थी, जिसके कारण रावण का अंत हुआ। इसीलिए उसने मरते समय ये भी कहा था, घर का भेदी लंका ढाए। बस अब क्या था, धोखेबाजों ने उस गुप्त रास्ते पर चलकर संभाजी महाराज जी को पकड़ लिया, और साथ ही उनके निजी सलाहकार को भी कैद कर लिया। आपको बता दें कि संभाजी महाराज और उनके निजी सलाहकार उस समय दोनों ही नियत्थे थे। 8 लाख जैसी विचार सेना भी जिनका कुछ नहीं कर पाई, एक बाल तक बाका नहीं कर पाई, सिर्फ एक छोटे से धोखे की वजह से भारत के इतने बड़े सम्राट को हारना पड़ा। अब यहाँ दूसरा पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि औरंगजेब एक क्रूर और निर्दयी शासक था, और वो पहले ही संभाजी महाराज से बहुत खुंदस खाए हुआ था। उसे तो बस अपना बदला लेना था उनसे, उसका भारत जीतने का सपना तो लगभग टूट ही चुका था, बस उसे तो बदला चाहिए था, सिर्फ बदला। अब यहाँ धोखेबाजों ने संभाजी महाराज और उनके निजी सलाहकार को 2 ऊँटों से उल्टा लटका दिया और घुमाया पूरे शहर में। एक भारतीय होने के नाते मुझे बताते हुए बहुत ही खेद है कि उन दोनों को ऊँटों पर उल्टा लटकाने के बाद पूरे शहर में घुमाया गया, और घुमाने के बाद लोगों को कहा गया इनको पत्थर से मारो। उन्हें बहुत पीटा गया, बहुत मारा गया, और लोगों को ये भी कहा गया कि इन दोनों पर मूत्र त्यागो। और से सुनिएगा, उस समय औरंगजेब भारत का बादशाह था, और देखिए किस तरह का बादशाह हुआ करता था औरंगजेब। पर हमारे हिंदू वीर योद्धा संभाजी राजे भी कहां हार मानने वाले थे। उन दोनों को जेल में डाल दिया गया, और औरंगजेब ने उनके पास आकर उनके सामने 3 शर्तें रखी, या फिर समझ लीजिए 3 सवाल पूछे गए। सवाल नंबर 1, औरंगजेब ने संभाजी राजे को कहा
पूरा मराठा राज्य मेरे कब्जे में दे दो, मैं तुम्हें ट्रिब्यूटरी किंग बना दूंगा। उनका जवाब था नहीं। सवाल नंबर दो, जितना भी खजाना तुमने मेरा लूटा है वो मुझे वापस कर दो, और इस काम में जिस जिसने भी तुम्हारी मदद की है उसका नाम मुझे बता दो। जवाब था नहीं। और सवाल नंबर तीन, जिसे सुनते ही हर एक हिंदुस्तानी का खून खौलने लगेगा, अपना धर्म परिवर्तन कर दो, मैं तुम्हें अपने राज्य में मिला लूंगा, शक्तिशाली बना दूंगा और बहुत सारा धन दूंगा। लेकिन जवाब था सेम, नहीं। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि इतना सब कुछ होने और सुनने के बाद भी संभाजी महाराज और उनके निजी सलाहकार की आंखों में तनिक भर भी डर नहीं था। संभाजी राजे हंसते हुए बोले कि मैं मराठाओं की जमीन कभी तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, तुम मुझे कितना भी मारो मैं एक मराठा हूँ, ये काम कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी अपना धर्म परिवर्तन करूंगा। हमारे साथ मिल इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। संभाजी हजार बार जिएगा, हजार बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। तुम मुझे कितना भी मारो, कितना भी प्रताड़ित करो, हर बार जिऊंगा, हर बार मरूंगा, और हर बार एक नया संभाजी पैदा होगा। मैं अपना धर्म हरगिज नहीं छोड़ूंगा। बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि भारत के इस राजा ने और उनके सलाहकार ने अन्न जल का त्याग कर दिया। वो ना कुछ खाते थे और ना कुछ पीते थे, बस एक ही जगह पर बैठे रहते थे। औरंगजेब ने दोनों के साथ बहुत जुल्म किए, उनके नाखून खींच के उखाड़ दिए, उनकी आंखों में मिर्चियां डाली जाती थी। जब इससे काम नहीं चला तो लोहे की गरम गरम जल्दी सलाखों को आंखों के पास लाया और फिर से सवाल पूछे गए कि धर्म परिवर्तन करोगे, उन्होंने बोला नहीं, तो फिर वो लोहे की सलाखें उनकी आंखों में डाल दी गई। संभाजी हजार बार जिएगा, हजार बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा स्वराज भी खत्म हो जाएगा। बस एक बार शंभू राजा को आजाद कर दो, अपना सर शंभू राजा के चरणों में तड़पता हुआ पाएगा तू। बहुत तेज धार है, काट दो इसकी जुबान, क्योंकि हम पर किया हर घाव मुगल सल्तनत के तबाही और बर्बादी का कारण बनेगा। औरंगजेब, हमारे जिस्म की खून की हर एक बूंद से एक नया संभाजी पैदा होगा। छत्रपति संभाजी महाराज की महानता तो देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक जगह पर सिर्फ खड़े रहे, ना उनसे माफी मांगी और ना ही उन्हें किसी बात का दुख था। दर्द बहुत था लेकिन सब सहन किया। औरंगजेब जैसे क्रूर शासक ने इसके बाद उन्हें और प्रताड़ित किया, उनके पैरों की एक एक करके उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ काट दिए गए, सर के बाल एक एक करके नोच दिए गए, पर फिर भी उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। संभाजी महाराज कहते थे मैं मराठा हूँ मराठा, धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, हार नहीं मानूंगा। और इसके बाद उस क्रूर शासक ने धीरे धीरे उनके शरीर के मांस को काट कर खाल निकालना शुरू कर दिया, यानी कि उनके शरीर की खाल उतर रही थी। लेकिन फिर भी हर बार औरंगजेब उनके सामने आता था, तीन सवाल उनके सामने रखता था, अपना धन मुझे दे दो, राज्य मुझे दे दो और धर्म परिवर्तन कर दो, और हर बार उनका जवाब होता था नहीं। औरंगजेब का एक खूनी खेल 40 दिनों तक चलता रहा, और लास्ट में औरंगजेब को जब लगने लगा कि मैं राजा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये तो मेरे सामने हार मानने को तैयार ही नहीं है, शायद मैं संभाजी राजे को ना जीते जी हरा सका और ना ही मरने के बाद कभी हरा पाऊंगा। अगर हर मराठा संभाजी सा होगा तो हम दखन में कभी राज नहीं कर पाएंगे। हमारा एक एक मावला उन सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़ेगा। खौफ मरने का किसको दिखाता है कमजोर, मौत जिनके मुट्ठियों में कैद हुआ करती है। और अंत में मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब संभाजी महाराज के पास आए और उन्होंने अपनी हार को कबूल करते हुए कहा कि मैं हार गया संभाजी महाराज, मैंने भारत में सब कुछ जीत लिया लेकिन संभाजी महाराज को और महाराष्ट्र को कभी जीत नहीं पाया। मेरे चार बेटे हैं, अगर उन चारों में से एक भी बेटा तेरे जैसा निकल जाता ना संभाजी महाराज, तो मैं पूरे भारत को मुगल साम्राज्य में परिवर्तित कर देता। संभाजी महाराज, पूरे भारत का ये मुगल बादशाह तेरे सामने हार गया। औरंगजेब थरथरा कर बोला, काट डालो इन्हें, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दो और नदी के पार फेंक दो। और उसके आदेश पर सैनिकों ने ऐसा ही किया। आज तक के इतिहास में औरंगजेब एक निर्दयी क्रूर और निर्मम राजा था। इस बात की खबर जैसे ही उनकी प्रजा को लगी, वो नदी के किनारे गए, उन्होंने संभाजी राजे और उनके सलाहकार के टुकड़े उठाए, उन्हें सिला और उनका अंतिम संस्कार किया।
लेकिन इस निर्मम कांड के बाद अब हर घर महल बन गया, हर औरत सेना में आ गई, बच्चा बच्चा सेना में शामिल हुआ। जब मुगल सल्तनत हिंदुस्तान पे हुकूमत करना चाहते थे और उसी दौरान जन्मा एक धर्म योद्धा वीर संभाजी। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। जय हिंद जय भारत। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि भारत का इतिहास सभी लोग जान सकें।